सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश की जो सभी 25 सीटें हैं अभी आपके सामने हैं, जिस पर आप देख रहे हैं, जहां पर मतदान होना बाकी है और 13 तारीख को यह मतदान होगा और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु और केरल पूरी तरीके से लॉक हो गए थे। यानी कि अब इसकी स्थिति क्या है 2019 की आपके सामने रखते हैं। 2019 में वाईएसआर कांग्रेस ने 25 सीटों में से 22 सीटों पर सफलता हासिल की थी और उनका वोट शेयर था 49.89%। टीडीपी जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, इसने 2019 में खुद अपने दम पर चुनाव लड़ा था, 3 सीटें इन्हें मिली थी, 40.19% वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 1% से भी कम वोट शेयर मिला था। लेकिन इस बार मामला बहुत ही अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार चौतरफा कॉन्टेस्ट नहीं है, इस बार कॉन्टेस्ट सिर्फ 3 बड़ी गठबंधन या पार्टियों के बीच में है। सबसे पहले वाईएसआर कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री हैं, अपनी विधानसभा में सरकार बचा रहे हैं और लोकसभा में अपने 22 सीटों के इस टैली को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी ने अपना गठबंधन कर लिया है, जिसके साथ जनसेना भी आ चुकी है और इसे एक काफी कारगर और मजबूत गठबंधन कहा जा रहा है, खास करके जब आप इसे 2014 के लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तीसरा गठबंधन है कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम का, लेकिन कांग्रेस की स्थिति किस तरीके से लगातार खराब होती चली जा रही है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा के साथ आपको बताएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। जगनमोहन रेड्डी के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जगनमोहन रेड्डी सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप हैं, खास करके उनके ऊपर करप्शन, भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर वहां पर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज जगन रेड्डी के सामने है वो है लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि जगन रेड्डी की सरकार ने लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का पूरा ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिया है, जिसे लेकर पूरे राज्य में जबरदस्त विरोध है। और यह इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मानसिकता, जो जन मानसिकता जमीन को लेकर किसानों के बीच में, ठीक वैसे ही है जैसे कि आप यूपी और बिहार में देखते हैं। किसान अपनी जमीन से बहुत जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में ये जो मूवमेंट किया गया है सरकार के द्वारा, जगनमोहन रेड्डी के द्वारा, जिसे कहा जा रहा है कि हम लैंड रिकॉर्ड्स को सही करना चाहते हैं, उसका जबरदस्त विरोध है। फायदे में क्या क्या बातें हैं? फायदे में जगनमोहन रेड्डी की नवरत्न वेलफेयर स्कीम है, जिसमें एक यहां पर दिक्कत निकल कर आ रही है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको लेकर बहुत सारी दिक्कतें अभी आ रही हैं, उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो प्रॉमिस किया गया था। तो इसलिए ये तमाम बातें सामने हैं। चंद्रबाबू नायडू जो कि सत्ता में अपनी वापसी करना चाहते हैं, सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, एक बड़े भागीदार के तौर पर दिखाई देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आंध्र प्रदेश में, उन्होंने अपनी 6 पॉइंटर स्कीम यहां पर सामने रखी है। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना का गठबंधन है, उम्मीद है कि इससे इस बार का चुनाव कुछ अलग होता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यहां पर, इस बार अगर जगनमोहन रेड्डी को वही सफलता मिलती है जो 2019 में मिली थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ टीडीपी दोनों को देखना पड़ेगा कि भविष्य की रणनीति कैसी है। लेकिन अभी जो गठबंधन बना है और जो वोटों का समीकरण है, उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना आज की डेट में कम से कम पेपर पर, कागजी स्तर पर बहुत मजबूत और फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं। अदिति, आपकी टिप्पणी। सर, ये बहुत रोचक आंध्रा का जो पूरा समीकरण है। कांग्रेस तो केवल इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंट मान रही है क्योंकि उन्होंने वाईएसआर की बहन को अपने साथ ले लिया है, तो जो सबसे बड़ा उनको जो कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वैसे जनाधार के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस बहुत कमजोर है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा। अब अगर हम दो शब्दों में पूरा सिनेरियो समझें तो भारतीय जनता पार्टी टीडीपी पे जितनी निर्भर है, टीडीपी भी भारतीय जनता पार्टी पे उतनी ही निर्भर है, क्योंकि 2014 और 2019 के अगर हम वोट शेयर के आंकड़े देखें तो जैसे ही 2019 में दोनों का गठबंधन खत्म हुआ, बीजेपी ने भी लूज किया और टीडीपी ने भी लूज किया। अब जमीन पर क्या है? जगनमोहन रेड्डी, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जैसी चीज, 300 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट, यानी लाभार्थियों का जो एक्चुअल वोट बैंक, तो जब आप जगनमोहन रेड्डी से बात करेंगे तो वहां पर भी वन मैन आर्मी है, पूरा संगठन एक ही आदमी, एमपी वो चुनेंगे, एमएलए वो चुनेंगे, लेकिन उनको डायरेक्ट कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने 300 करोड़ जो घर घर में हाथ में पैसा पहुंचाया है वो सबसे कारगर साबित होगा, ये उनके कॉन्फिडेंस का राज है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर मुखर है, टीडीपी और पवन जो जनसेना पार्टी है उनको लेकर वो काफी ज्यादा मुखर है, लेकिन आंध्रा में
भ्रष्टाचार को लेकर वो काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इसी पर डिपेंडेंट नजर आ रही है। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि कांग्रेस बहुत उत्साहित है क्योंकि वाईएस शर्मिला जो कि जगनमोहन रेड्डी की बहन है उनके साथ आ गई हैं, और उनके विश्वास की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं, जब जगनमोहन रेड्डी जेल में थे उनके पिता के निधन के बाद और 13 महीने वो जेल रहे, ये 13 महीने शर्मिला ने 2800 किलोमीटर की पदयात्रा आंध्र के पूरे इलाके में की थी, जिसका बहुत बड़ा फायदा उनके भाई को मिला था जब वो चुनाव के अखाड़े में उतरे थे और विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता था। लेकिन खुद बकौल शर्मिला, जब मेरी एक बार उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा भाई मैंने नहीं देखा जिसने सत्ता संभालते ही अपनी बहन को बस बाहर निकाल कर फेंक दिया। जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था मैं नहीं करना चाहता। बिल्कुल जी, इसी के साथ बस एक फैक्टर और है जो बहुत ज्यादा मुखर हो रहा है, टीडीपी और उनकी खुद की बहन लगातार हर मंच से ये बात कहती है, भ्रष्टाचार तो बीजेपी का मुद्दा है, कि दोनों अपने चाचा के जिस तरह का इस्तेमाल होता है कि आपने अपने चाचा को राजनीति से हटाने के लिए उनका खत्म कर दिया उनको, और तमाम तरीके की बातें भी लोगों के बीच में आ रही हैं कि वाईएसआर ने अपने राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अपने चाचा को कत्ल कर दिया, इस तरह की बातें जो आती हैं वो भी काफी ज्यादा वहां। और ये मुद्दा इस बार शर्मिला की सीट पर बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा की सीट पर जहां मोहन रेड्डी के खिलाफ वो खड़ी हैं, कडप्पा वो सीट है और हर किसी की नजर इस पर होगी, इसका आकलन भी हम आपको विस्तृत तरीके से कर बताएंगे। लेकिन अब जरा नजर डालते हैं हम विधानसभा के ऊपर, विधानसभा में क्या स्थिति है। विधानसभा में सबसे बड़ी चुनौती आज जगनमोहन रेड्डी के लिए ये है कि क्या वो लोगों के बीच में अपने एंटी इनकम्बेंसी को संभाल सकते हैं, और अगर ऐसा कर पाते हैं तो क्या शर्मिला वहां पर उनको चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। और यहीं पर कांग्रेस का जो फॉल्ट पॉइंट है वो निकल कर आता है। आज कांग्रेस के पास अगर कोई नेता है तो वो इंपोर्टेड नेता है शर्मिला जी, जो कि वाईएसआर की खुद की बहन है, यानी कि अल्टीमेटली कांग्रेस को वाईएसआर की शरण में जाना ही पड़ा। जब तक वो जीवित थे तब तक कांग्रेस उनके पीछे थी, उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने अपने आप को सोचा कि वो बहुत बड़े डॉन हो गए हैं, जगनमोहन रेड्डी से अपने उन्होंने किनारा किया, कांग्रेस की स्थिति वहां क्या हुई आज हम सब जानते हैं, और एक बार फिर शर्मिला के पीछे हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा नुकसान अपना यहां पर किया है, जनाधार पूरी तरीके से खो दिया है, और यहां पर कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि स्थिति अब उत्तर प्रदेश से भी बदतर, जो स्थानीय जो संगठन की बात की जाती है उसकी आती हुई दिखाई दे रही है। तो पूरा चुनाव एक तरह से बाइपोलर बड़े पैमाने पर राज्य के स्तर पर है, टीडीपी बीजेपी जनसेना बनाम जगनमोहन रेड्डी, और ऐसी सूरत में ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक एडवांटेज एक तरफ है, आगे देखिए होता क्या है।